Hi guys, XXX, The Return of Xander Cage is finally in cinemas today and we've seen it. दीपिका ने कैसा काम किया है, कितना ज्यादा रोल है उनका और मूवी में कितना इंपैक्ट है उसका, ये सब हम आपको बताएंगे और मूवी कैसी ओवरऑल है डेफिनेटली. सो वी आर हियर टू रिव्यू द मूवी XXX, द रिटर्न ऑफ Xander Cage. लेट्स डू इट. Hi guys, happy new year. Sorry for wishing you guys so late. This is our first video of this year and we were hoping to start it with a bang with XXX, The Return of Xander Cage. Movie ke jab expectation tha because of Vin Diesel and Deepika Padukone this time aur trailer kafi acha tha to hum log ka expectation kafi high tha jab hum log theater ke andar gaye, because they pitched this movie based on Deepika Padukone in India especially aur premiere show ke liye gaye the, 50% crowd tha. Jaise Deepika ki starting kafi jaldi entry hui to laga ki Deepika ki in kafi movie mein zyada role hoga, to I was quite happy ke as a Indian, yes, definitely. Like काफी ज़्यादा रोल दिया है actually movie में भी. तो अच्छी बात है. और but after Vin Diesel की entry के बाद जैसे वो story develop करने जाते हैं, movie का जो expectation हमने जो high रखा था वो धीरे-धीरे slow हो जाता है. तो like if you're going to watch XXX movie, you're not gonna go for the storyline or not gonna go for like the depth of the story and all. You're just gonna go for the action, the thriller, adventure part of it. XXX movie are based on adventure. बोले तो पैसा वसूल टाइप की मूवी है, बट दिस इज द काइंड ऑफ मूवी यू विल वॉच फॉर फन. और तो ये मूवी में आप अगर दिमाग लगाने की ट्राई कर रहे हो, फिजिकल लॉ देखने का ट्राई कर रहे हो, लॉज ऑफ फिजिक्स देखने का लाइक बोल जाओ, नहीं है ये नॉर्मल टिपिकल पैसा वसूल काइंड ऑफ मूवी है. फुल ऑफ एक्शन, स्टोरी ठीक ठाक है, इतनी खास नहीं है, बट आई थिंक जो काफी लेवल डाउन कर देती है, ऐसा लगा कि कभी आफ्टर अ टाइम पिक्चर कभी उठेगी नहीं, फ्लॉप हो जाएगी. बट इंटरवल पे दीपिका और विन डीजल का जब आमना सामना होता है, तब थोड़ी मूवी थोड़ी अच्छा, मुझे तो खुद एक्चुअली एज ए इंडियन मुझे काफी अच्छी लगी. तो और उसके बाद में जो एक्शन पार्ट आया और उसके बाद सेकेंड हाफ तो फुल ऑन एक्शन है, तो मूवी को कुछ हद तक मुझे लगा कि अच्छे एंड कर लेगी. क्योंकि लाइक डायरेक्टर ने भी सोचा रहेगा ना, फर्स्ट हाफ तो स्टोरी डेवलप फोकस करेंगे और सेकंड हाफ फुल एक्शन पे करेंगे, पैसा वसूल करेंगे. हां तो लाइक प्रॉपर और क्या कर सकते, शॉर्ट एंड स्वीट रखा है. विन डीजल आई थिंक सो काफी अच्छा परफॉर्म कर लिया. यस, विन डीजल इज नोन फॉर हिज स्ट्रांग परफॉर्मेंस और दिस फॉर दिस XXX कास्ट भी काफी इंटरनेशनल, काफी डाइवर्स है. इंडियन, इंडोनेशियन, लाइक तो बाकी जो अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स लिए थे, जैसे अपने तेजा, टोनी तेजा कौन है, सॉरी आई एम सॉरी, टोनी जा है क्या, हीरा टोनी जा, टोनी जा है, माइकल बिस्पिंग है और काफी सारे कैरेक्टर्स. प्रॉब्लम ये होता है कि मल्टीपल स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स का कास्ट लेके जो मेन जो दो या तीन जो लीड हीरोज उन लोग के अलावा किसी और पे फोकस ही नहीं होता, और उन लोग पे फोकस नहीं होता, उन लोग का जो जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स रहते हैं जो बाकी लोग का, उन लोग का थोड़ा थोड़ा करके स्निपेट्स में ही दिख पाता है, तो मेरे को लाइक बेसिकली थोड़ा डिसएडवांटेज टाइप लगता है. ठीक है, बट बट पीपल want to watch Vin Diesel, so it's going to be focused more on Vin Diesel and Deepika Padukone ka kaafi acha khasa role diya hua, it's a very strong role and I think what I liked it is like unhone baki logo ki tarah no kuch American accent ya accent ya English accent pakadne ka try nahi kiya, unhone normal accent pe pitch karne ka try kiya hua hai, to starting mein thoda aapko hit karta hai dimag pe, but after a time you will feel ke नहीं, it's a character. और उसके अलावा बाकी सब कैरेक्टर्स ने भी काफी अच्छा, like बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, so let's not focus on everyone. और एक special appearance भी हो, like हम लोग reveal नहीं करेंगे. हाँ, we let's not be the spoilers because बहुत सारे twist हैं movie के अंदर, जो second half में ही है, first half में कोई twist है नहीं, first half में सिर्फ develop करके रखा हुआ है. I think so. What do you feel about direction by DJ? Caruso. जो स्टार्टिंग का स्केटबोर्ड सीक्वेंस है, जो एंट्री का है,
चेस किया, जो हाई स्पीड चेस का दो कुछ है भी नहीं सीन में, तो काफी अच्छे से उन्होंने पोर्ट्रे किया कि देखने में मजा आ रहा है भाई, मजा आ रहा है, भले स्टोरी नहीं चल रही है, कुछ नहीं चल रहा है, बट देखने का मजा है। लोकेशन भी काफी अच्छी थी, तो इसके से अलग थी सीन का। और ओवरऑल व्हाट यू फाइंड? ओवरऑल आई फाइंड इट्स लाइक वन ऑफ द टिपिकल ट्रिपल एक्स मूवी, बट आई डोंट थिंक लाइक द कास्ट शुड हैव बीन दिस मच बिग। ओवरऑल आई थिंक सो एक्सपेक्टेशंस हम लोग जो लेके गए थे हाई से, वो तो बीच में ही लो हो गया था आफ्टर विंड डीजल एंट्री, बट एक्शन सीन्स के थोड़ा गुड या ओके ये बीच में तक पहुंच गया था। बेसिकली इट्स द एक्सपेक्टेशन वेयर लिटिल बिट फेडेड, बट इट वाज नॉट अ डिसअपॉइंटिंग मूवी, इट्स अ फन मूवी टू वॉच, इट्स अ वन टाइम वॉच, यू कैन वॉच इट। हाउ मेनी स्टार्स डू यू बिलीव? आई बिलीव 2.5 स्टार्स, आई थिंक सो, वेल डिजर्वड वन, वेल डिजर्वड 2.5, बट it was a good movie, I would say okay good ke beech mein, but it was not very good movie. You can watch it one time, you can watch it for Deepika, you yes, can watch it for fun action movie. Yes. As a Indian, I think so, you as a Bollywood lover, yeah, you should watch the movie for Deepika Padukone. She has done a good job. People and yaar, Bollywood wale thode tarakki karte hai, to mujhe bhi kafi acha lagta hai as a Bollywood lover. Yes. So I think so, all the Bollywood lovers should watch this movie for Deepika Padukone, and if you are a Vin Diesel fan, you can watch it for Thank you guys for watching Straight Up Movie Reviews. Please hit the like button, share us, subscribe to our channel for more content and daily updates. Yaar, humko kuch batao, if you want something other reviews to start, we can start it on, because hum log abhi thode movie reviews kafi bade bade movies ka karne wale, because chote movies ka I don't think so kuch karke fayda ho raha hai. Yes. Kyunki zyada content jo acche movies hai uska karenge, like which people are expecting, which people are like doubtful ki jaye ya na jaye. ऐसे किसी भी मूवी का रिव्यू करके मतलब नहीं, और एक छोटे मूवीज जो देखने लायक होते हैं उनका भी रिव्यू करेंगे, सो दैट वी कैन स्प्रेड द अवेयरनेस कि दिस इज अ मूवी यू शुड वॉच इट। यस, एंड प्लीज क्लिक ऑन द बेल आइकन नेक्स्ट टू द सब्सक्राइब, सो यू कैन गेट नोटिफिकेशन ऑन आवर नेक्स्ट अपडेट्स एंड स्टे अपडेटेड विद आवर चैनल। वीडियो बनाएंगे तो आपको अपडेट आ सकता है। सो आई थिंक सो वी विल मीट यू आई थिंक सो नाउ ऑन रईस और काबिल, वी विल रिव्यू बोथ द मूवीज टू मेक यू इजी विच वन टू वॉच एंड मे बी विच वन टू अवॉइड। अगर दोनों अच्छी रहेगी तो दोनों बोलेंगे जाने के लिए, अगर दोनों अच्छी नहीं होगी तो पॉसिबल नहीं है थोड़ी बहुत, बट दोनों में से एक तो अच्छी होनी चाहिए। दोनों में से एक तो हो गए, अच्छा। और मेरा प्रेडिक्शन है एक का, लेकिन आई थिंक सो दोनों मूवी काफी अच्छी रहेगी और काफी अच्छे से स्टैंड आउट कर रही है, अभी तो कुछ गलत नहीं लग रहा है मूवी। सो लेट्स सी, लेट्स नॉट टेक अ हार्ड। सो वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर गाइस, एंड होप यू हैव अ गुड ईयर, होप यू हैव अ गुड ईयर, एंड वी हैव अ गुड ईयर सिटिंग हियर एज़ अ विजय। सो वी विल मीट यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन